गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो जो लास्ट टॉपिक अपना हुआ था, जो स्टार्ट किया था अपन ने, वो था बेसिक आइडिया ऑफ वायरस, जिसमें अपन ने वायरस शब्द किससे उत्पन्न हुआ है वो जाना था, साथ ही उसके जो सामान्य लक्षण थे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसा यह दिखाई देता है, ये अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी होता है, ये सभी अपन ने सामान्य लक्षण उसके पिछली क्लास में देखे थे। साथ ही मैंने कहा था कि अगली क्लास जब भी होगी उसमें अपन इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल का नाम भी मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियोफेज। नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरियो फैज, नाम सुना होगा। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या है, एक प्रकार का वायरस है, क्योंकि अपन जो टॉपिक चल रहा है अपना वो किस में चल रहा है, बेसिक आइडिया ऑफ वायरस, यानी कि वायरस की अपन को सामान्य जानकारी ग्रहण करनी है। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो भी एक वायरस है। अब कैसा वायरस है तो ये जानेंगे अपन। तो जो बैक्टीरियोफेज नाम मैंने लिखा है एक वायरस का, इसका अपन करेंगे संधि विच्छेद, जिससे अपन को इसका रियल जो कार्य है, जो वर्क है, वो पता चल जाएगा। ध्यान से देखना, बैक्टीरियो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बैक्टीरियो मींस जीवाणु, जीवाणु जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में बैक्टीरिया, प्लस फेज या फेगोज। एक तो हो गया ये बी से लेके ओ तक, और लास्ट में क्या रह गया, फेज। तो फेज को अपन फेगोज भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब है भक्षण करना, भक्षण करना, यानी खा जाना या मार देना। तो अपन इस संधि विच्छेद के अनुसार, या अपन बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो पहला शब्द है वो है बैक्टीरियो, जिसका मतलब है जीवाणु, जिसे अपन बोलते हैं बैक्टीरिया, और दूसरा है फेजिया, जिसे बोल सकते हैं अपन फेगोज, जिसका मतलब है भक्षण करना। यानी कि ऐसे वायरस जो जीवाणुओं में संक्रमण करे या जीवाणुओं का भक्षण करे, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं या बैक्टीरियाओं का भक्षण करे या उन्हें संक्रमित करे, क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, अपन को पता चल गया कि बैक्टीरियोफेज है क्या, एक ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, उनको खाने के रूप में खाता है, यह कहलाता है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का कई बार डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम भी अपन बना लेते हैं इसका। जब अपन ने सामान्य लक्षण चल रहे थे तब मैंने अपन ने लिखा था कि इसमें न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक अम्ल डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, ये कहा था। तो जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक अम्ल, वो डीएनए या आरएनए होगा। ये जो मैंने पार्ट बनाया है, ये है इसका हेड वाला पार्ट, सिर जिसे अपन बोल सकते हैं, ये है इसमें टेल वाला पार्ट, जो टेल फाइबर्स में बना रहा हूं आपके सामने, ऐसे। ये है हेड, ये है कैप्सिड,
बताया था ना मैंने, जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है या जो केंद्रक अम्ल होता है उसको चारों तरफ से एक आवरण घेरे हुए रहता है, जिसे अपन बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो अंदर इसके मैंने एक राउंड राउंड सी गोल गोल स्ट्रक्चर बनाई है, ये इसका डीएनए या अपन बोल सकते हैं या आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये है कॉलर, कॉलर। ये वाला जो पार्ट है इसका टेल, यानी पुछ। ये टेल फाइबर्स है जिनसे ये किसी होस्ट की बॉडी से चिपकता है या किसी बैक्टीरिया से जाके चिपकेगा। तो ये है एक बैक्टीरियोफेज वायरस की संरचना, जिसमें अपन देख सकते हैं कि इसका एक हेड वाला पार्ट है जो कैप्सिड से कैप्सिड के आवरण से मिलकर बना है, जिसके अंदर इसका डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। इसके जस्ट नीचे कॉलर है जो टेल फाइबर्स से जुड़ी हुई रहती है। इस टेल वाले पार्ट से ये किसी बैक्टीरिया की सेल से चिपक जाता है। तो यह है एक बैक्टीरियोफेज वायरस की संरचना। ये भी अपने बेसिक्स चल रहे हैं आपके, जो यूनिट फर्स्ट है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पेपर नंबर सेकंड आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में। तो उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सेल से रिलेटेड मैंने आपको हिस्ट्री बताई, इंट्रोडक्शन बताया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया, उनके डायग्राम भी अपन ने बनाए, अंतर भी बताया, समानताएं भी बताई, ये वायरस वाला टॉपिक भी अपने आया। तो ये नॉर्मल बेसिक्स चल रहा है, इनके ऊपर छोटे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना नॉर्मल जानकारी थी वायरस के बारे में। आज अपन ने बैक्टीरियोफेज के बारे में जाना है, क्लियर है। तो आप ये चीज़ नोट कर लेना, ये डायग्राम भी आप बना लेना। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो है सेल मेम्ब्रेन। अब तक तो अपन ने यही जाना है कि एक सेल है, उसकी खोज किसने की, सजीव कोशिका की खोज किसने की, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, और सेल में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, यही जाना है। लेकिन अब अपन जानेंगे कि एक जो सेल मेम्ब्रेन है या जो कोशिका कला है वो कैसी होती है, वो किन किन अणुओं से मिलकर बनी होती है, कितनी स्तरीय होती है, ये सभी अपन डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक कोशिका कला, इसे बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। यही था, यानी कि ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके बाहर जो ये आवरण इसको घेर रखा है ये ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कौन से पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, ये दिखाई कैसी देती है, सबसे पहले इसकी जो संरचना है उसके बारे में किसने बताया, ये कौन से अणुओं को ट्रांसपोर्ट या आदान प्रदान करने का काम करते हैं आदि। तो ध्यान से सुनना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह एक आवरण, सेल के चारों तरफ एक आवरण के रूप में पाई जाती है। ये तो अपन को पहले से पता है कि ये कोई सेल है, इसके चारों तरफ जो आवरण है वो यही क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहलाएगी। ये जो आवरण है यह है पारगम में, पारगम में, इसे अपन बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं, परमिएबल, यानी कि आदान प्रदान कुछ अणुओं का। ये जैसे कुछ अणु इसके अंदर है, पदार्थ इसके अंदर है तो वो बाहर जाएगा, और कुछ अणु ऐसे हैं, पदार्थ ऐसे हैं जो बाहर से अंदर आएंगे। तो मैंने लिखा है कि ये जो आवरण है सेल के चारों तरफ यह पारगम में होता है, या ये जो सेल मेम्ब्रेन है पारगम में होती है, पारगम में को अपन बोलते हैं परमिएबल।
अब इस परमिएबल में भी कौन सी होती है, ये चयनात्मक पारगम में, कौन सी? चयनात्मक पारगम में, जिसे अपन बोलेंगे इंग्लिश में सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, ये चीज आपको अंडरलाइन करनी है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो कोशिका कला है वो चयनात्मक पारगम में यानी सेलेक्टिव परमिएबल होती है या कहलाती है, क्योंकि ध्यान से सुनना, इतनी चीज नोट कर लिया होगी आपने, क्योंकि यह अपने साइटोप्लाज्म, ये इसका कोशिका द्रव्य है सेल का अंदर वाला, एवं अपने आउटर एनवायरमेंट यानी कि इसका बाहरी वातावरण कौन सा है जिसमें ये रह रही है या जिसमें उपस्थित है, इन दोनों के मध्य यह आयनिक बैलेंस, कौन सा बैलेंस? आयनिक बैलेंस, या जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, चाहे वो सोडियम हो चाहे क्लोराइड हो, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, तो ये सभी जो आयन्स है इनका बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। ये सभी जो मैंने आयन्स बताए इनका बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं, यानी कि ये जो आवरण है जिसे अपन बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जो क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक, ये चयन करेगी कि मेरे को सोडियम आयन बाहर से अंदर चाहिए तो सोडियम आयन ही बाहर से अंदर आएगा, पोटेशियम नहीं। मान लो कि इसके अंदर पोटेशियम आयन है तो ये चाहेगी कि मेरे को पोटेशियम आयन मेरे अंदर ज़्यादा हो गए तो ये पोटेशियम आयन को ही बाहर निकालेंगी। इसीलिए अपने से क्या बोल रहे हैं? सेलेक्टिव परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम में, समझ में आया? इसके साथ ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो अणु होते हैं, उनका एवं आयन्स का जो सिस्टम है आदान प्रदान का, उसको कंट्रोल भी रखती है, उस पर नियंत्रण भी रखती है। तो समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल के चारों तरफ आवरण के रूप में पाई जाती है, यह परमिएबल होती है यानी पारगम में होती है। इसमें भी यह चयनात्मक पारगम में, जिसे अपन बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल होती है, अर्थात यह अपने सेल के साइटोप्लाज्म एवं आउटर एनवायरमेंट या बाहरी वातावरण के मध्य आयन्स एवं मॉलिक्यूल्स का बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। क्लियर? तो ये तो अपने नॉर्मल आउटलाइन ली है, अब बात करते हैं संरचना की। ये नोट करते जाना, संरचना, संरचना स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं अपन। तो कोई सेल है, अब इससे अपन अपनी नॉर्मल आंखों से तो देख नहीं सकते क्योंकि सेल बहुत ही छोटी होती है, कोशिका बहुत ही छोटी होती है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी। वो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करने पर हमें ये पता चलता है, या जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के इसका अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यह फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई त्रिस्तरीय संरचना होती है। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो लिपिड एवं प्रोटीन,
यानी कि लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई त्रिस्तरीय, यानी कि तीन स्तर होंगे इसमें। कितने स्तर होंगे? तीन स्तर होंगे, से बनी तीन स्तरीय संरचना या त्रिस्तरीय संरचना होती है। सबसे पहले डेनियल डेवशन, आपने नाम सुना होगा, डेनियल डेवशन या डावशन भी बोलते हैं, ने सन 1935 में, कौन से सन में, 1935 में एक मेथड दिया था। उन्होंने ये बताया था, ये जो मॉडल दिया था उन्होंने वो था त्रिपरतीय मॉडल। जो मॉडल दिया था वो था त्रिपरतीय, यानी तीन परतों से मिलकर बना हुआ एक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है यह त्रिस्तरीय होती है या तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए जो इनका मॉडल था उसको नाम दिया गया त्रिपरतीय मॉडल, जो दिया था इन्होंने सन 1935 में। किन्होंने दिया था? डेनियल डेवशन। इन्होंने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी निम्न विशेषताएं होती है। अब ध्यान देना कौन कौन सी विशेषताएं होती है, वो चीज नोट कर लेना आप। अपन को ये पता चल चुका है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, क्लियर है। अब डेनियल डेवशन ने ये बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी निम्न विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह लगभग यह 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है या मोटाई की होती है, यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है यह 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। इनमें से 75 में से अलग अलग पार्ट बताए हैं हम, 20 एंगस्ट्रम मोटा एवं सघन, जो फर्स्ट है ये नंबर डाल देता हूं, 20 एंगस्ट्रम मोटा एवं सघन बाहरी प्रोटीन, जिसे अपन बोल सकते हैं आउटर प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन की क्या कौन सी लेयर बनाएगा? आउटर लेयर या बाहरी स्तर। आउटर लेयर या जिसे अपन बोलेंगे बाहरी स्तर, सबसे बाहर का स्तर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका सबसे बाहरी स्तर क्या होगा? 20 एंगस्ट्रम मोटा एवं सघन बाहरी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ बाहरी स्तर, ये 75 एंगस्ट्रम से बात कर रहे हैं अपन। दूसरा है 20 एंगस्ट्रम मोटा एवं सघन आंतरिक, या अपन यहां पे प्रोटीन भी बोल सकते हैं, स्तर भी बोल सकते हैं, आंतरिक स्तर, जिसे अपन बोल सकते हैं इनर लेयर, इनर लेयर, ये क्या कहलाएगा? इनर प्रोटीन। यानी कि ये तो आउटर प्रोटीन हो गया, इसके अंदर वाला जो इसके साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? इनर प्रोटीन या इनर लेयर। ये भी कितना एंगस्ट्रम मोटा है? 20 एंगस्ट्रम। इसका जो सी पार्ट है, ये जो इसकी थर्ड नंबर की जो विशेषता है वो 35 एंगस्ट्रम। अब अपन टोटल कर सकते हैं, इनका तो 75 ही आएगा,
20 एंगस्ट्रम और 35 एंगस्ट्रम, टोटल 75 एंगस्ट्रम। अब मैंने बता दिया आपको कि बाहरी स्तर है, अंदर का स्तर है, इन दोनों के बीच क्या कौन सा पार्ट बचा, मध्य स्तर। तो 35 एंगस्ट्रम मोटा मध्य स्तर, जिसे अपन बोलेंगे मिडिल लेयर। क्लियर है? ये किसकी बनी हुई होगी, लिपिड की, लिपिड की। यानी कि मैंने कहा कि डेनियल डेविसन ने ये बताया कि जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह लगभग 75 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है, जिसमें से 20 एंगस्ट्रम या 20 एंगस्ट्रम मोटा सघन बाहरी स्तर होता है जो आउटर प्रोटीन कहलाता है। ऐसे ही 20 एंगस्ट्रम मोटा सघन आंतरिक स्तर है जो कहलाता है इनर प्रोटीन। ऐसे ही 35 एंगस्ट्रम मोटा मध्य स्तर है जो कहलाता है मिडिल लेयर। ये किसका बना मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड का। तो वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन या जो कोशिका कला है यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई त्रिस्तरीय संरचना होती है। यही बताया डेनियल डेविसन ने, त्रिपरितीय संरचना मॉडल। तो यहाँ पे अपन को पता लग चुका है कि इसमें तीन स्तर हैं, बाहरी स्तर, आंतरिक स्तर और मध्य स्तर। बाहरी और आंतरिक तो बने हुए प्रोटीन से, जबकि मध्य बना हुआ है लिपिड से। क्लियर है? अब इन विशेषताओं के बेस पे ही अपन एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम या इसकी इनर स्ट्रक्चर का या आंतरिक संरचना का इन तीनों स्तरों को प्रदर्शित करते हुए एक डायग्राम बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि अपन को पता चल गया कि कौन कौन सी संरचना क्या है। तो एक इसमें नोट और कर लेना आप, ये आपने नोट कर लिया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अच्छा इसको डायग्राम जो अपन को बनाना है, ये चीज नोट ध्यान रखना। एक विशेषता ये और रह जाती है, या जो डेनियल डेविसन है उन्होंने ये बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें 5 से लेके 50 एंगस्ट्रम तक सूक्ष्म छिद्र यानी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इसके, यानी 5 से लेके 50 एंगस्ट्रम तक बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनका खुलना एवं बंद होना उपापची क्रियाओं पर निर्भर करता है। उपापची क्रियाओं पर, जिन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, पर निर्भर करता है। तो ये विशेषताएं हैं जो डेनियल डेविसन ने बताई है। इसका जो डायग्राम बनेगा, जो त्रिपरितीय मॉडल है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।